यानी कोरियन फ्राइड चिकन। तो कोरियन डिश मतलब ही एकदम तीखा वाला जो रेसिपी है वही है। तो गाइस मैंने सब रेडी करके रख दिया है, तो चलिए अभी इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए और पूरा प्रोसेस जो है वो देख लीजिए। तो गाइस अगर मेरे चैनल में आप लोग नए हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जो है दबा दीजिए ताकि जब भी मेरा वीडियो आने वाला हो आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी आ जाए। तो चलिए फर्दर एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे ले ले रही हूँ करीबन 200 ग्राम के आसपास चिकन। तो यहाँ पे मैंने मोस्टली जो है विंग पीस ही लिया है क्योंकि ये जो है दिखने में भी तो अच्छा लगता ही है और ये खाने में स्पेशली ये वाला रेसिपी में विंग वाला जो पीस है वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अभी इसमें मैं डाल दे रही हूँ करीबन 1 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून ऑफ चिली सॉस, 2 टेबल स्पून ऑफ टोमेटो सॉस, 1.5 टेबल स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, और मैं यहाँ पे आधा चम्मच जो है हनी ऐड कर रही हूँ। नाउ गिव अ गुड मिक्स, स्पाइसेस जो है उसे अच्छे से अंदर तक जो है मिक्स करना है और आधा घंटे के लिए इसे जो है रेस्ट करने के लिए रख लेना। अभी गाइज मैं इसमें गार्लिक और जिंजर ऐड करूंगी। हाफ टेबल स्पून ऑफ जिंजर, अभी इसे अच्छे से पूरा मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर पाउडर अभी तक ऐड नहीं किया है, आधा घंटा रेस्ट रहने के बाद नमक और ब्लैक पेपर मैं इसमें ऐड करूँगी। अभी मैं इसे आधा घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दे रही हूँ और चलिए ऑयल गरम करते हैं और रेस्ट होने के बाद इसे अच्छे से फ्राई करते हैं। चलिए तो बस आधा घंटा हो चुका है, अभी चिकन को थोड़ा देख लेते हैं। चिकन जो है देख सकते हैं थोड़ा बहुत पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी इस टाइम इसमें जो है मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और इसको कोट करने के लिए मैंने यहाँ पे तैयार करके रखा है मैदा और कॉर्नफ्लावर और दोनों का प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट सेम ही है। और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं थोड़ा सा नमक 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबल स्पून और रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। तो चलिए इसको सारा ऐड करने के बाद इसको अच्छे से चिकन को कोट कर दीजिए। अभी इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो ये मेरा हो गया है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे मैंने एक लिया है कढ़ाई और इसमें अभी मैं ऑयल डाल रही हूँ। गैस मैंने ऑन कर लिया है और ऑयल जो है दबा के देना है क्योंकि डीप फ्राई करना है हम लोगों को। गाइस ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, देख सकते हैं। तो अभी मैं इसे एक बोल में उठा लूंगी।
तो चिकन जो है एकदम अच्छे से चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है, देख सकते हैं। तो एकदम गरम तेल में ही डालना है और थोड़ा फ्राई होने के बाद फिर गैस को थोड़ा कम करना है। तो ऐसे करके मेरा जो है अच्छे से फ्राई रेडी। यहाँ पे मेरा चिकन जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है और यहाँ पे मैंने स्प्रिंग ऑनियन जो है कट करके रखा है, ये दोनों साइज़ का है। ये मैं ऑयल में दूंगी और ये लास्ट में डेकोरेशन के लिए। और यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई लिया है जो कि ऑलरेडी मैंने गैस ऑन कर लिया है और इसमें मैं दूंगी अभी 2 से 2.5 चम्मच ऑयल, रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पे मैंने करीबन 6 से 7 जो है लहसुन मैंने ऐड किया है। चम्मच टोमेटो सॉस, हाफ टेबल स्पून सोया सॉस, 1.5 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस और 1/2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस। इसे जो है ये अच्छे से मिक्स करना है। अभी ये थोड़ा बहुत भून चुका है, अभी इसमें जाएगा 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा नमक 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। तो गाइज इसमें आप लोग देख सकते हैं कि तीखा वाला जो है एलिमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये कोरियन डिश है तो इसमें थोड़ा तीखा रहता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा ही करना है और गैस जो है वो हाई फ्लेम में ही रहेगा। देखिए थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है वो छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो गैस अभी जो ये सॉस बनके तैयार हुआ है तो इसमें ऑलरेडी ग्रीन चिली सॉस रेड चिली सॉस दोनों ही आया है तो थोड़ा तीखा है। तो इसको अभी बैलेंस करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून। तो ये जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। हमारे घर में उतना तीखा कोई खाता नहीं तो इसमें मैं इसको एक बैलेंस में ही मैं जो है इसको बना रही हूँ। सॉस जो है ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है तो अभी इसमें थोड़ा सा जो है मैं हनी ऐड करूँगी क्योंकि ये डिश हनी वाला है। तो चलिए ये मेरा रेडी हो चुका है, अभी इसमें मैं चिकन ऐड कर देती हूँ। ग्रेवी उतना ही बनाना है जितना कि चिकन है, मतलब चिकन जो है उसको एक अच्छा सा मतलब कोटिंग होगा, ऐसा नहीं कि ग्रेवी ग्रेवी जैसे हो। तो देख सकते हैं मेरा पूरा जो ग्रेवी है वो चिकन ले लिया है और फ्लेवर उसका बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो गाइस ये मेरा रेडी हो चुका है तो चलिए इसे अच्छे से सर्व करते हैं। किसी भी कारण से अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन गुड नाइट गुड बाय।